ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से जुड़ी। एलएसी पर चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत पर नजर रखने के लिए चीन की सेना हिंदी भाषा जानने वाले तिब्बती और नेपाली लोगों की भर्ती कर रही है। जानकारी यह भी है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोगों की भर्ती कर ली है, जिन्हें वो एलएसी के पास तैनात करना शुरू कर चुका है। बताया जा रहा है कि चीन का मकसद हिंदी भाषा जानने वाले इन जासूसों की मदद से भारतीय सेना की बातचीत को समझना और उन्हें चीनी अधिकारियों को बताना है, ताकि वो उन संदेशों को सुनकर भारत के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर सके। मतलब ये कि एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत से शी जिनपिंग घबरा गए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने खुफिया विभाग में हिंदी भाषा जानने वाले नेपाली और तिब्बती लोगों की भर्ती शुरू कर दी है, ताकि उनकी बदौलत चीन भारत की हर गतिविधि पर नजर रखने के साथ ही अपने खतरनाक मंसूबों को भी अंजाम दे सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलएसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन ने ऐसे तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती शुरू की है जिनकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। और बताया जा रहा है कि इस भर्ती का मकसद भारतीय सेना की बात को सुनना और उसे समझकर फौरन चीनी सेना के अधिकारियों को बताना है। खबर है कि चीन भर्ती किए जा रहे सभी तिब्बती और नेपाली लोगों को भारतीय सीमा के पास ही तैनात कर रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि भर्ती अभियान को तेज करने के लिए चीनी सेना के अधिकारियों ने मार्च और अप्रैल में चीन के ऐसे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का दौरा किया था जहां विदेशी भाषा के तौर पर कुछ छात्र हिंदी को भी चुनते हैं। भारत ने परमाणु बम गिराने की ताकत रखने वाली अग्नि 3 मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान और चीन दहशत में आ सकते हैं, क्योंकि भारत की ताकतवर अग्नि 3 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। यानी इसके एक ही वार से ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। इसके अलावा इस घातक मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि ये दुश्मन देशों की नींद उड़ा दे। इसी वजह से पाकिस्तान और चीन जैसे देश टेंशन में आ गए हैं। हालांकि इस मिसाइल को 11 साल पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभ्यास के तौर पर और अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए एक बार फिर से इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने दिखाया कि वो अपने टारगेट को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी ये प्रति सेकंड 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक है, मतलब चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। इसके अलावा इस मिसाइल में एक साथ कई टारगेट को तबाह करने वाली तकनीक भी है। राजस्थान के कोटा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर से मारपीट की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक महिला डॉक्टर पर हमला करती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ जाता दिखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने से आ रही महिला ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। तभी वहां गार्ड पहुंच गए, जिन्होंने उस महिला को रोक लिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। डॉक्टरों ने शिकायत की कि आए दिन मरीजों के परिवार वाले मारपीट करते हैं, ऐसे में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। राजस्थान के कोटा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर से मारपीट की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक महिला डॉक्टर पर हमला करती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ जाता दिखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने से आ रही महिला ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। तभी वहां गार्ड पहुंच गए, जिन्होंने उस महिला को रोक लिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अधिकारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। डॉक्टरों ने शिकायत की कि आए दिन मरीजों के परिवार वाले मारपीट करते हैं, ऐसे में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की।